तो सांग माने आज आम देखा आम ओपन पोर्स को किपर भाव स्विंग करम कर बहुत ही सांग माने प्रथम है आपण पोर्स जदि फेस रे ओपन पोर्स अच्छी ता मुख्यतः दुई प्रकार होता है। तो प्रथम है ऑयल स्किन रे ओपन पोर्स माने जिते आम स्किन बहुत ही अधिक ऑयल प्रोडक्शन करें बहुत ही अधिक तेल निज स्किन प्रोड्यूस करने को लगी थाए से ही तेल पोर्स सांगे मिसी बाहर को आसी थाए और से ही पोर्स आम स्किन पोर्स लार्ज हो जाए बड़ देखा जाए था। तो यह ऑयल स्किन ओपन पोर्स विषय द्वितीय प्रकार पोर्स जहाँ देखा जाए था ओपन पोर्स सांग माने मेच्योर स्किन ओपन पोर्स ताइए कि जेपरी जेपरी आम एज बढ़ी थाए आम स्किन भितर जहाँ आम स्किन ने कसाब दे थाए जो प्रोटीन कोलेजन इलास्टन धीरे धीरे से मानकर प्रोडक्शन कम होगा लगी थाए और जितेबाला से मानकर प्रोडक्शन कम होता है तो से आम स्किन भितर जो कसाब ता कम हो जाए आम स्किन धीरे धीरे स्याग हो जाए जहाँपाई कि आम पोर्स टी बड़ देखा जाए था। तो सब प्रथम सांग माने आपको चेक करने को पड़ कि आपण स्किन ओपन पोर्स कौपाई होल स्किन होपण जदि एज पर आपंकर एज टे अधिक तो ड्राई स्किन तो से तो सांग माने से दुईट जाक रेमेडी टी अलग अलग हे ऑयल स्किन रेमेडी टी अलग हम ड्राई और आपण स्किन जदि मेच्योर तो तार रेमेडी सांग माने टी अलग हम कि सांग माने आज रेमेडी बहुत ही इफेक्टिव अटे आपण ट्राए करके देखिए। तो चलते सांग माने आज रेमेडी को आम स्टार्ट करवा ए पूर्व प्लीज सांग माने आपण माने मो चैनल को सब्सक्राइब करने ताकि मोर सब वीडियो आपण मानक पाखरे पहुंच पारिबो और आपण जदि किछ टॉपिक वीडियो देखिया चाहूछन प्लीज माने कमेंट करबे। तो ए रेमेडी रो प्रथम जिनस अटे कि सांग माने धनिया जी सांग माने धनिया आपण धनिया को पाउडर कर यूज कर पारिबे बा मार्केट धनिया पाउडर भी यूज कर पारिबे। सांग माने बोधहुए आपण कौट भी शुणी नथिबे किंतु सांग माने एहा भितर एक बहुत ही बढ़िया फाइटो एंजाइम रही थाए जहाँकि आम स्किन भितर को जाए दुईटी काम करें प्रथम है स्किन को प्यूरीफाए करें तो जदि आपण स्किन ऑयली तो यह भी बहुत बढ़िया काम कर आपण स्किन जमा ऑयल को दूर कर और जदि आपण स्किन ड्राए ताल भी यह बढ़िया काम कर कहीं यार द्वितीय फंक्शन अटे कि यह आम स्किन भितर सांग माने कोलेजन और इलास्टन प्रोडक्शन को बुस्ट करें धनिया पाउडर जोटा कि आम रोसे यूज कर मसला उपाय से ही धनिया पाउडर तो ये मुझे नहींजे गोटे चामच धनिया पाउडर आप प्रथम गोटे बाउल नहीं ने तापर सांग माने आम नहीं ना अल्प टिके हलदी गुंड सांग माने आम समस्ते जानते कि यह एक आंटी माइक्रोबल एजेंट अटे आंटी जर्मिसाइकल एजेंट अटे जहाँपाई आम स्किन इम्यूनिटी बुस्ट होता है आम स्किन रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ी थाए तो जितेबाद आम स्किन रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ी तो यह आपण ऑयली स्किन आपण मेच्योर स्किन होता ओपन पोर्स दुईटी भी बहुत ही भल कम कर लंबा समय पर आपण को प्रोटेक्शन देव और लंबा समय पर स्किन को हेल्दी रखे करपर सांग माने आम नवा ये दुई चामच दही ये चेंज हे जदि आप स्किन ऑयली तो आप दही बदल में एलोवेरा जेल यूज करेंगे मार्केट वाला एलोवेरा जेल यूज करूँ प्लांटर एलोवेरा जेल यूज करूँ आदि आपण स्किन मेच्योर ड्राई आपड़ ये दही यूज करेंगे दही में सांग माने फैट रही है जहाँकि जदि मेच्योर स्किन आपंकर ड्राए स्किन तो ताप बहुत ही भल होता है तेणु आपन आपण स्किन अनुसार देखिए जदि ऑयली स्किन तो आपड़ एलोवेरा जेल यूज करेंगे और जदि आप ड्राए बा मेच्योर स्किन आपड़ दही यूज करेंगे ठीक अच्छे एवं तापर सांग माने जहाँ आम यूज करवा ताकि आम नहीं ना अध चामच देखते मंदार फुलर पाउडर आप मार्केट वाला यूज करूँ घर आप मंदार फुल को सुखी भी गुंड करके यूज करेंगे। मंदार फुल में बहुत सारा रेटिनिक एसीड भरपूर अटे जहाँकि आम स्किन आंटी एजिंग प्रॉपर्टीज को देवाई साथी आम स्किन टोनिंग इफेक्ट देवाई आम स्किन को रिजुनेट करने आहुरी बहुत सारा साय बहुत भल भल कम करम स्किन और सांग माने देखो आम नहीं ना अल्प टिके फिटकिरी पाउडर आप बड़ सैज्र भी देखते फिटकिरी आप मिलजा छोट सइज्र फिटकिरी जहाँ भी आपड़ पाइबे बहुत शस्तार पाइबे अल्प टिके गोटे दुई चुटकी आपको फिटकिरी पाउडर दरकार फिटकिरी सांग माने बहुत अधिक इफेक्टिव अटे आम पोर्स को स्रिंग करने तो आम स्किन पोर्स जो भी कारण ऑयल स्किन आपण जदि एजिंग हो सब ठीक करें सांग माने पोर्स को स्रिंग
स्ट्रिंग करथाय बहुत जल्दी फिटकिरी पाउडर तो आपण एदी अल्प टिके फिटकिरी पाउडर ने नेबे एवं सब दिनस को भल से टिके मिक्स करनबा गोटे बढ़िया से स्मूथ रो फेस पैक बनि जइबो एहाकू आपण भल से गोड़े कि 5 मिनिट पई छाड़े देबे एवं 5 मिनिट पर आपण एहाकू यूज करबे आपण एहाकू यूज करबा पूर्वरु आपण आपण को फेस को भल से टिके क्लीन कर नेबे धोई नेबे एवं ताहा पर ए जो पैक आमे बनि चंती एहाकू नै आपण आपण को फेस रे भल से पूरा लगाइ नेबे फेस रे लगाइ एहाकू आपण को अर्ध घंटा रखबा को पड़िबो कारण एटी आमे जो सब जिनस मिसी चंदी एतरे बहुत सारा एपरी एंजाइम अछि जहा के काम करबा पई आपन को समय लागिवो तेन करी आपन या को आपन को फेस रे अति कम रे 15 20 मिनिट पे रखिबे आ तारठ आ कम रखिबेनी तापर अधिक आपन अधिक अधिक अध घंटा पे रखि परिबे एवं तापर धीरे धीरे तोले या सुखी जीव अध घंटा पे देखिबे आपन ओदा हाथ होई धीरे धीरे मसाज करी धोई नेबे गोटी थर यूज रे संग माने आपन को 5 रु 10% देखिबे आपन को फेस रे जो ओपन पोर श्रिंक हे जीव कम हेबा को लागिवो आ या को जदि आपन लगा तार 3 रु 6 मास पर्यंत यूज करिवे देखिबे आपनको फेस रो ओपन पोर्स दूर होइ जिवो एहा को जतबे आपन फेस को धोइबे तो हल्का गुनगुना पानी रे अल्प उसुम खा नख उसुम पानी रे फेस को धोइ नेबे तो देखंतु आपन नख उसुम पानी रे फेस को धोइ देबे बा आपन नॉर्मल पानी ने भी धोइ परिवे एवं तापर देखिबे आपनको पोर्स बहुत आपनको श्रिंग लागिवो फेस आपनकर बहुत ही टाइट लागिवो आ बहुत ही सुंदर क्लीन क्लियर फेस आपनको मिलिवो जो सब दिनस आमे यूज करचन एहा भी आपनको फेस रे ग्लो आनिबा पे बहुत ही इफेक्टिव संग माने तो संग माने आपण ये फेस पैक को निहाती ट्राई करें।